हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, 1857 की क्रांति के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में ही सभी प्रश्न जो हैं वो आपको करने जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को बार बार देखिए जिससे कि आपको ये याद हो सकें। तो नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन 38 है, क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी छावनियाँ थी। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी छावनियाँ थी, तो यहाँ 6 छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 39, राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी। राजस्थान में स्थित 6 सैनिक छावनियों में अंग्रेजों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर कितनी थी, 30 थी। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से हुआ, तो यह नसीराबाद से हुआ, 28 मई 1857 को। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे। नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी के जवान थे, तो यहां पर 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बंबई लांसर्स के सैनिक विद्वान थे। नसीराबाद की किस सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह किया, तो यहां पर 2 सैन्य टुकड़ी थी, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहां पर विद्रोह करने वाली थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और इसने 28 मई को विद्रोह किया था। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किनकी हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद छावनी के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से किनकी हत्या कर दी गई थी, तो यहाँ के 4 अंग्रेज अधिकारियों में से मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी, इन दोनों की जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या जो है वह कर दी गई थी, और बाकी जो 2 अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हॉर्डी, तो ये दोनों जो है घायल हो गए थे। नसीराबाद से भागकर अंग्रेजों ने कहां शरण ली थी। नसीराबाद से भागकर अंग्रेजों ने कहां शरण ली थी, तो यहां से भागकर वो ब्यावर चले गए थे। ब्यावर कहां है, अजमेर में है। नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया। नीमच विद्रोहियों का किस स्थान पर जनता द्वारा स्वागत किया गया था, तो एक तो यहाँ पर शाहपुरा के जो शासक थे, उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए भोजन की सुविधा, ठहरने की सुविधा जो वह की थी, और उसके बाद जो है ये नीमच विद्रोही कहाँ पहुंचे थे, निम्बाड़े पहुंचे थे। ठीक है, जहाँ के जनता जो थी उसने इनका स्वागत किया था। किस शासक ने नीमच के विद्रोही सैनिकों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की थी। तो मैंने आपको बताया कि शाहपुरा, जो उस समय सबसे छोटी रियासत थी, उसने भी हेल्प की थी क्रांतिकारियों की, और शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह जो थे, इन्होंने नीमच के जो सैनिक थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था की थी, और इसके बाद ही ये जो क्रांतिकारी थे ये निम्बाड़े पहुंचे थे। ठीक है, निम्बाहेड़ा पहुंचे थे। एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, तो हमने देखा कि 28 को जो है, 28 मई को जो है विद्रोह कहां होता है, नसीराबाद में। ठीक है, 3 जून को कहां होता है, नीमच में। उसके बाद एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ, तो यहां 21 अगस्त 1857 को जो है विद्रोह होता है। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, इन्होंने किन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो यहाँ पर जो एरिनपुरा के जो सैनिक थे, इनका जो है नेतृत्व किया ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की राजकीय सेना को क्रांतिकारियों ने कब हराया। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की जो राजकीय सेना थी, इसको क्रांतिकारियों ने कब हराया, तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौड़ा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर की जो राजकीय सेना थी, इसको हराया था।
8 सितंबर 1857 को संघर्ष में किलेदार मारा गया था, उसका क्या नाम था? 8 सितंबर 1857 को संघर्ष में किलेदार मारा गया तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था अनार सिंह। ठीक है, क्या नाम था उसका? अनार सिंह। और कुशल राज जो है वो जान बचाकर वहां से भाग गया था। क्रांतिकारियों व लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण संघर्ष कब हुआ? तो पहले जो है 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की जो संयुक्त सेना थी उसने जोधपुर की सेना को हराया। उसके बाद लॉरेंस अपनी सेना लेकर आया, तो क्रांतिकारी और लॉरेंस के बीच में जो संघर्ष हुआ 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, गोरे काले का युद्ध कहा जाता है इसको, चैलावासा का युद्ध भी कहा जाता है। मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया? मेवाड़ में किसने महाराणा और अंग्रेजों का विरोध किया? तो यहाँ पर रावत केसरी सिंह, जो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह थे, इन्होंने जो है यहाँ पर महाराणा और अंग्रेजों दोनों का ही विरोध किया। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर 15 अक्टूबर 1857 को जो है क्रांति होती है। कोटा में क्रांति कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को। नसीराबाद में कब हुई? तो नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुई। नीमच में 3 जून 1857 को हुई। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को हुई। वहीं कोटा में हुई 15 अक्टूबर 1857 को। फिर देखें मेजर बर्टन, मेजर बर्टन ट से आपको याद आया होगा, क्या आया आपको याद मेजर बर्टन का? तो मैंने आपको बताया था कोटा रियासत में उस समय जो पीए था मेजर बर्टन, उसने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी मानकर दंड देने की सलाह महाराणा को दी थी? मेजर बर्टन ने किन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी, यानी अंग्रेजों की जो हुकूमत है उसका विरोधी है ये व्यक्ति और इसको जो है दंड देनी चाहिए। तो महाराणा को जो है ये सलाह दी किसके लिए? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। ठीक है, तो इनके लिए जो है जो मेजर बर्टन था इसने महाराणा को सलाह दी। कोटा में किसी पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट मारा गया था तो वह था मेजर बर्टन। कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? कोटा महाराव को क्रांतिकारियों की कितनी शर्तों वाली संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था? तो यहाँ पर 9 शर्तों वाली जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर करना पड़ा था कोटा महाराव को। कोटा महाराव को सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? कोटा के जो महाराव थे उन्हें सैनिक सहायता कहाँ से प्राप्त हुई? तो यहाँ पर करौली से जो है सैनिक सहायता प्राप्त होती है। फिर देखिए कोटा से क्रांतिकारियों को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में खदेड़ा गया? कोटा से क्रांतिकारियों को जो है बाहर निकाल दिया गया। और ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो कौन था? तो वह था मेजर एच जी रॉबर्टसन। कौन था? मेजर एच जी रॉबर्टसन। ठीक है, 22 मार्च 1858 को क्रांतिकारियों को कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट्स था वो नसीराबाद से बहुत सारे सैनिक जो है वो लेकर आया था और तोपों के द्वारा जो है इसने जो है वो क्रांतिकारियों पर गोले बरसाए और इस वजह से यहाँ से कोटा से जो है ये इनको भागना पड़ा। कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? कोटा के किस क्रांतिकारी नेता को तोप से उड़ा दिया गया? तो यहाँ जयदयाल जो है इसको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद तोप से उड़ा दिया गया। धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था राव रावचंद्र ने, रामचंद्र और हीरालाल ने। राव रामचंद्र और हीरालाल इन्होंने धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा? धौलपुर में क्रांतिकारियों को किस बाहरी सेना ने खदेड़ा था? तो यहाँ पर पटियाला की जो सेना थी उसने क्रांतिकारियों को खदेड़ा था।
नेक्स्ट देखें 62 क्वेश्चन, सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया? सलूम्बर के किस शासक ने क्रांतिकारियों का भरपूर सहयोग किया था? तो सलूम्बर और कोठारिया दोनों का ही योगदान रहा था क्रांतिकारियों के लिए। तो यहाँ रावत केसरी सिंह थे सलूम्बर के, जिन्होंने क्रांतिकारियों का पूरी तरीके से साथ दिया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 64, ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता किसने की थी? ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता जो है वह किसने की थी? तो यहाँ पर सलूम्बर के जो रावत ज्योत सिंह थे, इन्होंने कुशाल सिंह की सहायता की थी। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंपने पर किसने अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी? तो ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, तो उनकी ओर से भारत के जो सभी राजा थे उनके जो अधिकारों को जो है सुरक्षित रखने का आश्वासन इन्होंने दिया, और उदयपुर के जो महाराणा थे इन्होंने जो है अंग्रेजों का स्वागत किया और इनके सम्मान में जो है भव्य दावत दी गई। क्रांति की सफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति किसने फैलाई? तो यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है, इनके नाम आते हैं जिन्होंने क्रांति की सफलता के बाद स्वदेशी शिक्षा, स्वराज, स्वभाषा आदि के आधार पर जन जागृति फैलाई। तो ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं, बार बार इनको याद करिए, वीडियो बार बार देखिए, तभी आपको ये चीज़ें याद हो सकती हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।